हेलो फ्रेंड्स, तो बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और गर्मा गर्म ठेकुआ मिल जाए तो बात ही कुछ और है। बारिश के मौसम में सबको मन करता है कि गर्मा गर्म चीज़ें खाएं, तो आपके लिए हम आज ठेकुआ की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत जगहों पे इसका अलग अलग नाम भी बोला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम टेस्टी बन के तैयार होता है और बहुत कम सामानों में बन के ये तैयार हो जाता है। घर के ही सामानों से हम इसे बनाएंगे और ये गेहूँ के आटे से हमने बना के तैयार किया है। फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको लेना है 1 कप चीनी। 1 कप से मैंने थोड़ा सा कम चीनी लिया है। जितना आपको चीनी लेना है उतना ही आपको पानी डालना है इसमें। पानी को डालने के बाद अच्छे से इसको स्पून की हेल्प से इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चीनी और पानी एक साथ घुल मिल जाए। आप चाहें तो इसे लगातार चला के भी पानी में चीनी को घोल सकते हैं, लेकिन मैंने इसे 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बर्तन जिसमें मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप 2.5 कप गेहूँ का आटा यूज़ कर सकते हैं। 2.5 कप तक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसे मैंने छान लिया है, देख सकते हैं। और छानने के बाद हम इसे इसमें कुछ चीज़ें डालेंगे जिससे आपके जो ठेकुआ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच, देख सकते हैं, ये बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा जिसे बोला जाता है, देख सकते हैं। उसे हम डाल देंगे, इससे हमारे जो ठेकुआ हैं काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं फ्रेंड्स। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है, भुना हुआ है ये। आप नॉर्मल जो आता है कच्चा वाला वो भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास तिल नहीं है या फिर नहीं डालना चाहते तो टोटली ऑप्शनल है, ना डालें। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके, और ये देखिए जो हमने चीनी और पानी का घोल जो बनाया था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है, घुल चुका है पानी में। तो इसे हम डाल के और एक डो तैयार करेंगे। डो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सख्त लगाना है, रोटी की तरह आपको सॉफ्ट नहीं लगाना है फ्रेंड्स। तो इससे मैंने एक छन्नी लिया है जिसे छान लिया है ताकि थोड़े से इसमें थोड़े से इम्प्योरिटीज होती है वो निकल जाएगी। और इसका एक डो लगाएंगे, ना ही हमें बहुत ज़्यादा सख्त डो चाहिए और ना ही हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो चाहिए। आटे जो हमने रोटी चपाती लगाते हैं उससे थोड़ा सा आपको सख्त चाहिए, जैसे हम सत्तू की लिट्टी बनाते हैं उस तरह का हमें डो बना के और रेडी करना है फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं मैंने पूरा डाल दिया है इसमें चाशनी, सॉरी जो हमने घोल तैयार किया था पूरा डाल के, और मैंने ये आटा को गूंथ लिया है, देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। ये देखिए थोड़ा सा चीनी इसमें बच गया है, पूरा पानी लग गया है। आप चाहें तो इसे 10 मिनट आराम ना देके भी तुरंत भी पका सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 10 मिनट रेस्ट के लिए दे दी हूँ, देख सकते हैं। 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर से इसे एक बार मसल लेंगे और इससे हम छोटे छोटे बॉल्स बना के इसके रेडी करेंगे। थोड़ा सा आप मसल लेंगे तो थोड़ा सा जो आटा है वो और भी ज़्यादा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने 10 मिनट रेस्ट देने के लिए आपको बोला था। ये देखिए जितने बड़े साइज़ के आपको ठेकुआ बनाना है उसके हिसाब से आप बॉल्स को बनाएं। ये देखिए ऐसे हम अपने सारे बॉल्स को बना के रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। और इसे हम आपको रोल करके भी दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चौका ले लिया है, बेलन भी ले लिया है, और एक बॉल्स लेंगे। पहले चौका पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, या फिर आप तेल से नहीं बेलना चाहते, रोल करना चाहते तो यहाँ पे आप आटा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आटा भी नहीं, मतलब ये आराम से रोल हो जाता है, आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। थोड़ा सा आप ऑयल लगाएं, उसके बाद से देखिए आपको इसकी थिकनेस इतनी रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, देख सकते हैं। बस आपको इतनी थिकनेस रखनी है। उसके बाद से ऐसे ही हमने सारे जो ठेकुआ है ऐसे रोल कर लेंगे। उसके बाद से इसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे, उसके बाद से गर्मा गर्म शोर करेंगे इसे। और ये देखिए मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया। यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप तेल खाना पसंद करते हो, सरसों तेल में ना करें इसे। और मैंने यहाँ पर छोटा सा बॉल्स डाल के देख लिया था, तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर एक ठेकुआ को डाल दिया है और इसके ऊपर थोड़ा ऐसे तेल मैंने डाल दिया है, और देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो पुआ है अपने आप ही फूल जाएगा ठेकुआ, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं और लो टू मीडियम के बीच में भी रख के पका सकते हैं फ्रेंड्स। कलर बहुत प्यारा आ चुका है तो हम इसे निकाल देंगे और ऐसे अपने सारे ठेकुओं को हम बना के तैयार कर लेंगे। तो एक मैं आपको और दिखा दे रही हूँ, ये देखिए,
और ऐसे ही अपने सारे ठेकुओं को फ्रेंड्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ऐसा कोई भी आपका ठेकुआ नहीं होगा जो ऐसे फूलेगा नहीं। एकदम सॉफ्ट और मज़ेदार बनके ये ठेकुआ तैयार होता है फ्रेंड्स। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए, मैंने सारे बना के और रेडी कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।